बिल्कुल देखिए, जैसा हम लोगों को टीम बना के बुलाया गया था, हम लोगों ने यहाँ से भी प्रतिनिधि मंडल बना के भेजा, लेकिन वार्ता में इस बात को कहा गया कि पूरा वैकेंसी आपके फेवर में है, आपको नियुक्ति मिलेगी, लेकिन हमें समय दीजिए और हमें किसी तरह का ठोस आश्वासन, लिखित आश्वासन हम लोगों ने मांगा, लेकिन हमें लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। जबकि रिजल्ट उन्होंने बताया कि पूरी तरह से आपके फेवर में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया, और जिस कारण से हम संतुष्ट नहीं हैं, और इसी वजह से हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। क्या वहाँ पे बातें हुई, क्या आप लोग की मुख्य मांगे थी जो वहाँ पे नहीं बनी बात? हमारी मुख्य मांग यही थी कि जो 5938 की जो बहाली है, इस बहाली में जो नीति नियोजन नीति है, इस नियोजन नीति में जो पंचायत समिति की बहाली है, ये पूरी तरह से किसी भी तरह से इसमें कोई स्प्रे नहीं लगा हुआ था। उन्होंने भी उस बात को क्लियर किया, और जो जजमेंट आया था उसका भी हवाला हमने दिया कि पैरा 47 और पैरा 66 में ये बताया गया कि पंचायत सेक्रेटरी की जो बहाली है वह यथाशीघ्र पूरी की जा सकती है, उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगाया गया, और वो बात भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सही है। लेकिन उन्होंने कुछ और भी बातों का हवाला देते हुए कहा कि कुछ केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में गई है तो उनका आने के लिए एक लंबा समय लगेगा, उसके बाद देंगे। लेकिन हम लोगों ने उनसे एक उचित समय मांगा कि ठीक है, आप हमें आश्वासन दे रहे हैं तो हमें लिखित आश्वासन दीजिए कि आप मुझे एक दिन के बाद दीजिएगा, दो दिन के बाद दीजिएगा, सप्ताह भर बाद दीजिएगा, महीने भर बाद दीजिएगा, फिर साल भर के 6 महीने के बाद दीजिएगा। लिखित आश्वासन हम लोगों ने मांगने का प्रयास किया, लेकिन हमें नहीं मिला। और जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था, उन्होंने लिखित आश्वासन मांगने के लिए ही गया था, लेकिन हमें नहीं मिला। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो जेट वाले आए हुए थे, उनको लिखित आश्वासन दिया गया है? नहीं, उनको भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है, उनको भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है। जिस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी, क्योंकि हम अपने घर से प्रण लेके यहाँ पे आए हैं कि अगर यहाँ से दोबारा लौटेंगे तो या तो फिर नियुक्ति लेके लौटेंगे या तो फिर हम यहीं का दम तोड़ देंगे। अभी यहाँ पे जो रांची के डीसी छवि रंजन आए थे, उन्होंने बताया कि आप लोग 144 का उल्लंघन कर रहे हैं और आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, आप वो देख सकते हैं, अगर हमने किस तरह का उल्लंघन किया है तो जरूर करें शौक से, क्योंकि हम पूरी तरह से 144 सेक्शन का पालन करते हुए हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और अब बात आ चुकी है आस्था की, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कलश स्थापना कर दिया, और ये अगर कलश स्थापना को यहाँ से स्थानांतरित किया गया तो ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात होगी कि दुर्गा माता के कलश को स्थानांतरित किया जा रहा है, और इसीलिए हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। दुर्गा पूजा तक आप लोग यहीं रहिए, बिल्कुल दुर्गा पूजा के बाद तक, बिल्कुल अपनी जब तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले, क्योंकि हमारी मांगें जायज़ हैं और हम पूरी तरह से हक में हैं, और इसीलिए हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर के हम धरने पर बैठे हुए। तो ये पंचायत सचिव